फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का डे है सैटरडे और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए सिनेमन वाटर। तो मैं वो लेने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है पीने के लिए और एक साइड पे आलू बॉयल हो रही है और इधर देखिए मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना कर रखी है। वो जितने भी जार होते हैं ना, जैसे कि कोई जैम के जेली के होते हैं या फिर हनी के होते हैं, तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए जितने भी हैं जार में मैंने मसाले रखे हैं, कहीं पे पीस के, कहीं पे गार्लिक और लहसुन की पेस्ट करके रखी है। तो कुछ इसी तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ इन जार को। और देखिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग वीक में 2-3 डेज ऐसा खा ही लेते हैं, तो ये काफ़ी विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें मैंने डाला है चना है, काबली चना है, ब्राउन चना है, पीनट्स है, एंड टमेटो, कुकुम्बर, धनिया पत्ता और चिल्ली और सॉल्ट। तो ये बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स खाने में। हम सभी इंडियंस इसे पसंद करते हैं खाना, तो सुबह सुबह ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसे खाने के बाद मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप गेस कीजिए मैं आज क्या बना रही हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑयल डाला है और अभी मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ऑनियन डालने के बाद जो मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे थे ना, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बना के रखा था, तो वो मैं डालूंगी। क्योंकि मैं बाहर के जो मसाले होते हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, सारे मसाले खुद ही बनाती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। और मैं ग्राइंड कर करके ना एक एक जार में रख लेती हूँ और वो मुझे 1 वीक तक यूज़ में आ जाता है, वो हेल्प हो जाता है उससे। और ऐसा नहीं है, जैसे कि कभी कभी ना ड्राई भी मसाले रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हूँ, बट वो खुद से ही पीसा हुआ ही रखती हूँ। और वो जो देगी चिल्ली वाली आती है ना कश्मीरी, वो यूज़ करती हूँ बाहर वाली, तो वो तो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, तो वो यूज़ होता है। तो देखिए, अभी मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये बहुत छोटी स्पून है तो मैं 3 स्पून ले रही हूँ। देखिए, इसे लॉक करके फ्रिज में डाल दूँगी मैं। इसे हम चलाएंगे, ये देखिए। इसे डालने के बाद ना बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल, जिंजर गार्लिक की पेस्ट। तो बस इसके बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं। देखिए, ये मसाले मैंने ग्राइंड करके रखे थे। इस मसाले में है ब्लैक पेपर है, आपका क्यूमिन सीड्स है, जिंजर गार्लिक तो मैंने पहले ही डाला था, इसमें ऑनियन है, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बस 2 स्पून डाला है। और ये देखिए, बहुत सारी धनिया पत्ता मैंने वॉश करके रखी है, इसे कट कर लूँगी। अभी मुझे ये वेजिटेबल में यूज़ हो जाएगा, अभी ये मुझे जो मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में उसमें भी यूज़ हो जाएगा। तो चलिए इसे कट कर लेती हूँ और अभी सब्ज़ी में इसे डाल देंगे। तो मैं आलू की ना बहुत पतली वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए, सब्ज़ी हो गई, अब इसमें ढेर सारा पानी डाल दूँगी। और सब्ज़ी तीखी नहीं है तो मैं इसमें मैंने क्या किया है ना, ग्रीन चिल्ली डाला है, ताकि मुझे या फिर मेरे हस्बैंड को तीखा खाने का मन होगा तो उसे चिल्ली दे दूँगी, तो वो एक अच्छा हो जाता है कि जिसको विदाउट चिल्ली खाना है वो मिल जाता है और जिसको चिल्ली खाना है उसको चिल्ली के साथ मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आज का बहुत पतली वाली सब्ज़ी बनाई है। देखिए, थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ता इसमें डाला और इसे बॉयल जैसे ही आएगा ना मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। तो देखिए, बॉयल आ गई है सब्ज़ी में, अब बस इसे ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी इसके साथ जो खाना है उसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको गेस करने के लिए बोला था ना, आज मैं बना रही हूँ देखिए ढोसका। ये हमारा झारखंड का बहुत ही फेमस है रेसिपी ढोसका, वो बन रहा है। तो मेरे पास ना उड़द वाली दाल जो होती है वो बहुत कम था, बहुत ही कम थी, तो मैंने क्या किया, चना दाल थोड़ा सा उसमें और मिला दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए ना आपके पास ये नहीं है, उड़द दाल नहीं है, तो आप चना दाल से भी बना सकते हो। तो देखिए, बैटर रेडी हो गया है, अब इसका हम लोग ढोसका बनाएंगे। देखिए, ढोसका मैं डाल रही हूँ और ना मैं ढोसका में बहुत सारा धनिया पत्ता डालती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। और ढोसका खाने में बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी होता है,
और ग्रेवी वाले सब्जी के साथ खाना तो इसे और भी अच्छा लगता है, और चाय में डिप कर करके खाने भी मज़ा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नाइफ से इसे फ्लिप कर रही हूँ, तो ये मैं यूज़ टू हूँ तो इसीलिए मुझे ये हेल्प हो जाता है। आप इससे मत करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे ऐसे नाइफ से यूज़ करो, क्योंकि फिर आपके हाथ भी जल सकते हैं, तो आप ऐसे अप्लाई मत करना। तो आप स्पैटुला या फिर झंझरा जो होता है ना, वो यूज़ कर लेना। तो देखिए अभी ढोसका पूरी तरह से रेडी हो गया है, तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट निकालूंगी। सब्जी भी रेडी है, ढोसका भी रेडी है, और देखिए सब्जी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब खाएंगे तो पता चलेगा कैसा बना है। तो ढोसका के साथ पतली पतली सब्जी अच्छी लगती है खाने में, डिप कर करके। और वीकेंड है तो आज मैं चाय भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि डेली तो बनता नहीं है चाय, और डिप करके खाने अच्छा लगता है, तो चाय आज बनेगा, तो मैं चाय बनाऊंगी। तो देखिए अब बस ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, रेडी हो गया है सब कुछ। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करेंगे। बस देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया है, सब्जी को देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना सब्जी, बहुत सुंदर कलर है। तो खाने का अगर देखने में अगर कोई भी चीज़ टेस्टी दिखाई दे ना, तो समझिए कि वो टेस्टी ही होगी। और लंच में मैंने आज बनाया है खिचड़ी, और खिचड़ी सैटरडे को तो बनता ही बनता है, और जिस दिन नहीं बनता है, बोर हो जाते हैं तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर खिचड़ी ही बनता है, क्योंकि बोलते हैं ना सैटरडे को खिचड़ी खाने से ग्रह गोचर जो भी होता है वो कटता है, तो खिचड़ी बनता ही बनता है। तो खिचड़ी में ढेर सारा गोभी, फ्रेंच बीन्स और कैरेट, मटर बहुत सारा डाला है मैंने, और चोखा भी है, टमाटर की चटनी भी है इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम इंडियंस हमेशा चटनी चोखा खिचड़ी के साथ खाते ही हैं, तो मैंने भी वैसे ही बनाया है। और इसमें मैं डालूंगी मेल्टेड घी थोड़ी थोड़ी, और देखिए अभी मैं इस पर डालूंगी घी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी मेल्टेड घी डाल रही हूँ मैं। और इसके खाने के बाद ना जो खिचड़ी होती है ना, वो बहुत ही सुपाच्य होती है, बोलते हैं ना ये बहुत इजी होता है बनाने में भी, और पचने में भी बहुत आसान होता है। अब तो मेरे बेटे को भी समझ में आ गया है खिचड़ी का टेस्ट। और शाम में हमें ना बहुत भूख लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया समोसा, और उसमें 6 पीस दिखाई दे रहा था ऑर्डर करने पे, और जब घर आया तो 2 ही पीस था। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इतने से तो मन नहीं भरने वाला है, चलो समोसा बनाया जाए। तो मेरे हस्बैंड से मिल के हम लोगों ने दोनों को ही समोसा बनाया। उन्होंने डो तैयार किया, मैंने आलू का मसाला रेडी किया, फिर हमारा समोसा रेडी हो गया, तो हम लोगों का भी इच्छा पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।